नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं दुजाना गांव में और यहां पर संजय कबलाना जो कि भारतीय जनता पार्टी के बेरी से उम्मीदवार हैं वो रात को भी प्रोग्राम कर रहे हैं, लगातार लोगों के घर घर जा रहे हैं, यहां पर चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। संजय जी आपसे जानना चाहूँगा कि रात को भी आप कार्यक्रम करें, ये लोगों का प्यार है क्या? बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद बेरी हल्के की बहादुर जनता छत्तीस बरादरी अपने बेटे और अपने भाई को देने का काम कर रही है और जिस तरीके का आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है इससे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 तारीख को कमल का फूल का बटन दबा करके बेरी हल्के की बहादुर जनता बेरी हल्के के अंदर कमल का फूल खिलाने जा रही है और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संजय को घबराहट है इसलिए वो रात देर रात तक प्रोग्राम कर रहे हैं। घबराहट वाला आदमी तो भाई 5 बजे पास प्रोग्राम करे ना है, घबराहट तो उसके है, कदे 80 में गाया ना कदे 20 में गाया ना, ये सब जहाँ जाना पड़ गया उसने 6 बार के विधायक ने ना जर्नली चौपाड़ी में जा रहा उड़ी तो उल्टा हो लिया करता, कह देख लियो भाई यार कई जहाँ नाइट भी जाया करता, बोला देख लियो थोड़ा जी गलत घेर दियो ना मना घेरियो, ये क्या जरूरत पड़गी 80 में भी 20 में भी प्रजापता में भी ब्राह्मणा में भी सब में जाना पड़ गया, इबू ने क्या दिक्कत आ गई? अब की बार लोगों ने मन बना लिया 6 बार के विधायक को जनता हराएगी और कमल का फूल खिलाएगी और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएगी। वो कह रहे हैं कि विक्रम का अध्ययन करने से हमारी पार्टी और मजबूत हुई है बेरी हल्के में। जो नोट पाटे ओढ़ बंदी गड्डी में ना चल रहा वो अकेला चल सकता पत्रकार साथी, जो हमने जीत पाया 2 बार पार्टी ने आंधी में टकर दी उसको, जिले का प्रधान रखा उसको, अब उससे क्या उम्मीद? ये तो दोनों बताऊँ दोनों शेर का भाई बघेरा है, वो खुद नो और वो खुद तेरा, समझे? इनका तो एक ही मकसद है, कोई किसान का बेटा मिल लेना बढ़ना चाहिए, कोई दुजाने का बेटा मिल लेना बढ़ना चाहिए, कोई गऊ भगत का बेटा मिल लेना बढ़ना चाहिए, उनकी एक ही सोच है दोनों परिवारों की कि या कुर्सी मार दो रे, ये विक्रम ने तो भाजना था और कि मिल जाए जब भाजना था, इसने तो लांडा लाना था, इन्हें तो जागे अपने काका को दिन बैठना था, इसने टिकट मिलनी नहीं थी, इसने अपने काका को दिन बैठना था। बेरी के लिए आपकी क्या रणनीति है कि बेरी में काम करें, क्योंकि बेरी अभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। 30 साल लगातार विधायक बेरी में, मंत्री भी रहे स्पीकर भी रहे और मैं कह सकता हूँ बेरी हल्के की जनता आज तराई तराई कर रही है। इतना बुरा हाल बेरी विधानसभा का है शायद मैंने जीवन में किस विधानसभा में देखा हो। 30 साल से लगातार विधायक, ना पीने का पानी है, ना कोई महिला कॉलेज है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई रोड है, इतना बुरा हाल बेरी विधानसभा का है। इस जितना गुस्सा बेरी विधानसभा जनता में, इस गुस्से से मेरे को लगता है कि अब की बार बेरी की जनता बदला लेगी और 6 बार के विधायक को हराने का। संजय जी बार बार जो राजनीति है इस बार जो दलितों के ऊपर आकर टिकती है, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस दलितों का सम्मान नहीं करती, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी दलितों का सम्मान नहीं करती। बीजेपी नहीं करती दलितों का सम्मान, बीजेपी ने हमेशा 36 वर्ग का सम्मान किया, 36 बरादरी का सम्मान किया। अगर बेइज्जती करने का किसी ने काम किया तो कांग्रेस ने किया, चाहे मैं कुमारी शैलजा की बात करूं, चाहे मैं अशोक तंवर जी की बात करूं, और चाहे और मुद्दे उठा लो, हमेशा कांग्रेस झूठ बोलती है, झूठ की राजनीति करती है, झुंझुआ रखती है, बजाने का काम करती है, झुंझुने में कुछ होता नहीं। कांग्रेस का काम ना कोई लेना है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है, ना कोई नेता है, कांग्रेस तो झूठ बोलती है। अगर 36 बरादरी का भला किसी ने किया देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, गरीब के घर में चूल्हा जलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरीके से संजय कबलाना का यही कहना है कि गरीब का भला जो है वो बीजेपी पार्टी कर सकती है। संजय कबलाना जी हमारे